क्लास सेवंथ इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर ट्वेल्व एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर सेकेंड तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं उसके अंदर हमने सिम्प्लीफिकेशन किया था इसके अंदर हमें क्या कहा है एड करने हमें जितने भी नंबर दिए हैं सबको जितने भी टर्म्स हैं तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे जो जो लाइक like टर्म्स होती हैं उनको साथ में लिखा जाता है और उनको साथ में लिखकर फिर हम उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है यहां जहां पर भी आपको कॉमा दिख रहा है वहां कॉमे की जगह पर क्या लगाओगे आप प्लस लगाओगे क्योंकि हमें क्या करना है एड तो सबसे पहले हमारे पास है थ्री एम एन कॉमे की जगह पर क्या आ गया प्लस और फिर क्या है हमारे पास माइनस फाइव एम एन दो साइन कभी भी साथ में मत लगाया करो इसीलिए इसको क्या ले लेते हैं ब्रैकेट में ठीक है ये थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का यहाँ कॉमे की जगह पर क्या लगा दिया प्लस यहाँ पर हो गया एट एम एन यहाँ कॉमे की जगह क्या लगा दिया प्लस और फिर क्या हो गया माइनस का फोर एम एन अब जब भी आपको ऐसा दिख रहा हो कहीं पर कि दो साइन है और दोनों साइन के बीच में कोई भी डिजिट नहीं है तो उन दोनों साइन का एक साइन बना लेते हैं प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं यह चीज हमेशा याद रखना मैंने अभी आपको बता भी रखा है पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्लस प्लस हमेशा क्या होता है प्लस होता है माइनस माइनस क्या होता है वो भी प्लस होता है माइनस प्लस क्या होता है माइनस और प्लस माइनस क्या होता है माइनस जब भी सेम साइन होंगे जैसे प्लस प्लस तो प्लस ही होगा सेम साइन यहां पर भी है माइनस माइनस तो भी क्या होगा प्लस अगर डिफरेंट साइन है अलग अलग जैसे माइनस प्लस तो क्या होगा माइनस और प्लस माइनस तो भी क्या होगा माइनस तो आप क्या करोगे अब इसके अंदर थ्री एम एन ये प्लस और माइनस मिलकर क्या बना देंगे माइनस फाइव एम एन फिर प्लस एट एम एन और ये प्लस और माइनस मिलकर भी क्या बना देंगे माइनस फोर एम एन अब उसके बाद क्या करते हैं हम जितने भी यहां पर आपको टर्म दिख रही हैं सारी की सारी लाइक टर्म्स हैं तो दो दो के पेयर करके सॉल्व करते रहो जैसे यहां थ्री एम कैसा है प्लस का और फाइव एम कैसा है माइनस का तो प्लस माइनस क्या होते हैं प्लस माइनस होते हैं माइनस तो थ्री में से फाइव गए तो कितना बचेगा टू तो हम लिख देते हैं टू एम एन और साइन देखोगे आप कौन सी डिजिट बढ़ी है डिजिट पर देखना बस थ्री और फाइव में से फाइव डिजिट बड़ी होती है तो फाइव के आगे वाला साइन लगाएंगे क्या आ जाएगा माइनस या फिर आप ऐसे समझ लो छोटी डिजिट में से जब भी बड़ी डिजिट को माइनस करेंगे तो हमेशा माइनस का आंसर आएगा अब आगे देखो ये एट एम एन और ये फोर एम एन एट एम एन में से फोर एम एन को जब माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होते हैं एट में से फोर गया तो कितना बचेगा फोर एम एन और यहां पर एट बड़ा होता है या फोर एट बड़ा है तो उसका आएगा साइन लगा दो तो क्या प्लस अब यहां पर इन चार डिजिट की हमने दो डिजिट बना ली अब इन दोनों को भी हमें सॉल्व कर देना है ये माइनस ये प्लस तो माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस प्लस माइनस ही होते हैं तो फोर में से टू गया तो कितना बचेगा टू एम एन और साइन कौन सा लगेगा फोर के आगे वाला साइन लगेगा क्योंकि फोर बड़ा होता है तो उसके आगे प्लस है यहां पर प्लस ही माना जाता है अगर आप कोई भी साइन नहीं शो करते हो तो प्लस ही माना जाएगा यहां पर ठीक है फर्स्ट पार्ट हो गया अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट सेकेंड पार्ट के अंदर हमें दिया है टी माइनस एट टी जेड कोमा थ्री टी जेड माइनस जेड फिर कॉमा जेड माइनस टी तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो वही करना है कॉमे की जगह पर क्या लगा लो प्लस और फिर लाइक टर्म्स को एक साथ में लिख लेंगे और आंसर आ जाएगा फिर सॉल्व करके तो देखो हम लिखते हैं टी माइनस एट टी जेड कॉमे की जगह पर प्लस थ्री टी जेड माइनस जेड प्लस जेड और माइनस टी अब सबसे पहले लाइट like टर्म्स में जैसे यहां पर टी दे रखा है तो आपको ऐसा देखना है जिसके अंदर बस टी आ रहा हो तो ये वाला टी है और ये माइनस का टी है वैसे तो आप यहीं पर भी काट सकते हो लेकिन साथ में लिख कर दिखा देते हैं हम टी और इसके साथ का ये जो साइन है ये भी आएगा तो माइनस का टी ये दोनों हो गए टी जेड वाले इसके अंदर भी टी जेड आ रहा है इसके अंदर भी तो ये दोनों लाइक टर्म हो गई तो माइनस एट टी जेड और प्लस थ्री टी जेड ये माइनस का जेड और ये प्लस का जेड जो जो लाइक like टर्म्स थी वो साथ में लिख ली ये दोनों टी टी वाली ये टी जेड वाली और ये जेड वाली अब आगे देखो ये प्लस का टी है ये माइनस का टी इसका है कोई साइन नहीं तो प्लस माना जाता है तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस और जब बिल्कुल सेम डिजिट होती है जैसे टू में से टू गया तो जीरो अभी मैंने पीछे भी किसी वीडियो में बताया था तो इस टी से ये टी क्या हो जाएगा कैंसिल क्योंकि दोनों के साइन अलग हैं लेकिन है सेम ऐसे यहां पर ये माइनस का जेड ये प्लस का जेड तो माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस तो z में से जेड गया तो क्या बचेगा जीरो तो हम इनको भी क्या कर देते हैं काट देते हैं साइन अलग होने चाहिए सेम डिजिट होनी चाहिए या सेम टर्म होनी चाहिए अब यहां पर ये दोनों लाइक टर्म बची हमारे पास एक माइनस की है एक प्लस की है तो माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस तो एट में से थ्री गया तो कितना बचेगा फाइव तो हम यहां लिख देंगे फाइव टी जेड अब आप देखो कि डिजिट बड़ी कौन सी है एट बड़ी डिजिट है तो उसके आगे का जो साइन है वो क्या है माइनस तो यहां पर हम लगा देंगे क्या माइनस हो गया सिंपल नेक्स्ट देखो थर्ड वाले पार्ट के अंदर भी ऐसे ही करना है सबसे पहले जहां जहां पर कॉमा है वहां वहां पर क्या लगा लो प्लस लगा लो तो ये हमें दे रखा है माइनस सेवन एम एन प्लस फाइव कॉमे की जगह पर आ गया प्लस ट्वेल्व एम एन फिर प्लस टू फिर कॉमे की जगह प्लस नाइन एम एन माइनस एट फिर कॉमे की जगह पर प्लस और यहां पर ये ब्रैकेट में लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पर माइनस भी आ रहा है तो माइनस टू एम एन और माइनस थ्री ठीक है अब आगे देखो जो जो लाइक टर्म्स है उनको साथ में लिख लेंगे प्लस जब अंदर जाता है तो कुछ नहीं कर पाता यही साइन रहेंगे इसके प्लस वन प्लस माइनस क्या होंगे माइनस और प्लस माइनस भी क्या रहेगा माइनस तो ये तो ऐसे ही रहेंगे तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस सेवन एम एन प्लस फाइव प्लस ट्वेल्व एम एन प्लस टू प्लस नाइन एम एन माइनस एट प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस ही रहेगा और यहां भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ये प्लस जब अंदर जाता है तो किसी के साइन चेंज नहीं कर पाता माइनस होता तो साइन चेंज कर देता दोनों को प्लस बना देता तो यहां पर ये यह यही रहेगा अब आगे देखो ये सारी की सारी टर्म्स के अंदर आपको देखना है कि कौन कौन सी टर्म लाइक टर्म है तो यहां पर तो साफ पता चल रहा है हमें एम एन वाली टर्म्स हैं या फिर कॉन्स्टेंट है तो एम एन वाली साथ में लिख लो माइनस सेवन एम एन प्लस ट्वेल्व एम एन और फिर है प्लस का नाइन एम एन और माइनस टू एम एन और फिर कॉन्स्टेंट है एक फाइव एक टू एक माइनस एट और एक माइनस थ्री तो फाइव प्लस टू माइनस एट और माइनस थ्री ठीक है अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो देखो दो दो करके सॉल्व कर लो ये माइनस का सेवन एम ये प्लस का ट्वेल्व एम तो माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस प्लस माइनस होते हैं तो ट्वेल्व में से सेवन गया तो कितना बचेगा फाइव एम एन साइन कौन से का लगेगा साइन लगेगा ट्वेल्व का क्योंकि ये बड़ा है तो इसका आएगा साइन क्या है प्लस प्लस हम यहां पर लगाएं या नहीं लगाएं एक ही बात है प्लस ही माना जाएगा अब इस नाइन एम में से टू एम जब माइनस करेंगे तो कितना सेवन एम एन और साइन कौन से का लगेगा इसका तो ये वाला साइन क्या है प्लस नाइन बड़ा होता है ना टू से अब यहां पर भी दो दो करके सॉल्व कर लो फाइव और टू कितना हो जाएगा फाइव और टू हो जाएगा सेवन और माइनस माइनस क्या होते हैं ये माइनस का एट है ये माइनस का थ्री है तो माइनस माइनस हो गए प्लस एट और थ्री हो गया इलेवन साइन कौन से का लगा देंगे जो भी बड़ा है उसका साइन देख लिया करो बस तो यहां पर लगा दिया हमने क्या माइनस अब ये भी सॉल्व हो सकता है अभी एक बार और पहले ये चार थे हमने इनके दो बना लिए ये भी चार थे कांस्टेंट इनके भी दो बना दिए अब इन दोनों का एक बन सकता है ये, ये प्लस का ये प्लस का तो प्लस 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 ही होते हैं फाइव और सेवन कितना हो जाएगा ट्वेल्व तो यहां पर लिख देंगे ट्वेल्व एम एन ये प्लस का सेवन माइनस का इलेवन तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस तो सेवन में से इलेवन गए तो कितना बचेगा फोर ठीक है और छोटी डिजिट में से बड़ी डिजिट को माइनस करते हो तो हमेशा आंसर कैसा आता है माइनस का या इलेवन में से सेवन गया तो फोर और साइन बड़ी वाली डिजिट का इलेवन का ठीक है तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट में देखो सबसे पहले वही चीज करनी है कॉमे की जगह पर क्या लगा दो प्लस तो ए प्लस बी माइनस थ्री फिर प्लस ये वाला बी माइनस ए प्लस थ्री फिर इस वाले कॉमे की जगह पर प्लस फिर ये ए माइनस बी और प्लस थ्री अब इसके अंदर जो जो लाइक like टर्म्स है उनको साथ में लिख लो तो लाइक like टर्म कौन कौन सी है इसमें ए है बी है और थ्री दिख रहे हैं तो इनको साथ में लिख लेते हैं देखो ये ए हो गया ये माइनस का ए हो गया और एक ये वाला प्लस का ए हो गया सारे ए आ गए ये प्लस का बी ये वाला प्लस का बी और ये वाला माइनस का बी ये साथ में लिख लिए ये माइनस का थ्री ये प्लस का थ्री और ये वाला भी प्लस का थ्री ठीक है अब आगे देखो यहां पर आपको एक चीज दिख रही है ये ए प्लस का है और ये वाला ए माइनस का है तो ये दोनों के दोनों कैंसिल हो सकते हैं या फिर ये माइनस का है ये प्लस का इसको काट लो जब भी सेम होंगे और साइन अलग अलग होंगे तो वो कट जाते हैं ये चीज याद रखना कई सारे क्वेश्चंस में ये चीज आ चुकी है जैसे टी में से टी गया तो जीरो बचेगा जैसे टू में से टू जाता है जीरो बचता है थ्री में से थ्री जाता है जीरो बचता है ऐसे जब ए में से ए जाएगा तो जीरो बचेगा तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं ऐसे यहां पर जब इस बी में से ये बी जाएगा ये प्लस का भी है माइनस का भी है तो प्लस बी और माइनस बी भी जीरो हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं तो ये दोनों भी कट गए ऐसे यहां पर ये माइनस का थ्री है प्लस का थ्री तो माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस तो थ्री में से थ्री गया तो कितना आ जाएगा जीरो यहां से ये वाला कट गया इस वाले साइन पर ही अकेले ध्यान मत देना कभी इसको करके और तीन और तीन छह कर दो यहां पर इस थ्री का साइन माइनस है तो ये माइनस का ये वाला थ्री प्लस का और माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस इसीलिए थ्री में से थ्री गया तो जीरो अब क्या क्या चीज बची यहां से बचा ए और बी और प्लस का थ्री ये वाला ए ये वाला बी और ये वाला थ्री बचा ठीक है अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं चार पार्ट हमारे हो गए तो फिफ्थ पार्ट में हमें वही करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कॉमे की जगह पर लगा देंगे प्लस और उसके बाद जो लाइक टर्म्स है उनको साथ में लिखेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लिखते हैं फोर्टीन एक्स प्लस टेन वाई माइनस ट्वेल्व एक्स वाई माइनस थर्टीन की जगह पर आ गया प्लस ये एट्टीन माइनस सेवन एक्स माइनस टेन वाई प्लस एट एक्स वाई और ये जो कॉमा इसकी जगह पर भी क्या आ गया प्लस फोर एक्स वाई अब इसमें लाइट टर्म ढूंढो तो सबसे पहला है तो आपको ऐसा ढूंढना है जिसके अंदर बस x आ रहा हो तो लिख लेते हैं और एक्स वाला एक ये दिख रहा है तो यहां से लिख दिया माइनस का सेवन एक्स ये जो इसका साइन है ये इसके साथ चलेगा उसके बाद ये प्लस का टेन वाई और देखो जिसके अंदर वाई आ रहा हो बस तो ये आ रहा है माइनस का टेन उसके बाद यहां पर ये यह आ रहा है माइनस का ट्वेल्व एक्स वाई तो इसको लिख लिया माइनस ट्वेल्व एक्स वाई और एक्स वाई वाला कौन सा एक ये है तो इसको लिख दिया एट एक्स वाई और एक ये लिख दिया फोर एक्स वाई ये तीनों के तीनों कौन से हो गए जिनके अंदर एक्स वाई आ रहा है उसके बाद देखते हैं जो जो हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट कौन कौन सा है एक है माइनस थर्टीन और एक है प्लस का एट्टीन तो इसको लिख, लिख लेते हैं माइनस थर्टीन और प्लस का एट्टीन अब सॉल्व कर लो तो ये दोनों like terms ये दोनों दोनों टर्म्स हैं हैं सॉल्व हो सकती 14X में से सेवन एक्स गए तो फोर्टीन में से सेवन गए सेवन एक्स यहां पर ये प्लस का और ये टेन वाई माइनस का दोनों बिल्कुल सेम है ये प्लस का है और ये माइनस का है तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे माइनस होकर जीरो बना देंगे क्योंकि प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस और टेन में से टेन गया तो जीरो तो ये दोनों कट गए उसके बाद यहां पर है ट्वेल्व एक्स वाई और इन दोनों को सॉल्व करके दोनों प्लस प्लस के हैं तो एट और फोर कितने हो जाएंगे 8 और ट्वेल्व एक्स वाई ठीक है और ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस प्लस होते हैं माइनस तो एट्टीन में से थर्टीन गया तो कितना बचेगा फाइव और साइन कौन से का लगाएंगे एट्टीन बड़ा है तो उसका साइन लगा दिया प्लस अब यहां पर ये माइनस का ट्वेल्व एक्स वाई ये प्लस का ट्वेल्व एक्स वाई तो माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस तो ट्वेल्व में से ट्वेल्व गया तो जीरो तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कैंसिल जब भी सेम दिखे और साइन अलग अलग, अलग दिखे तो हमेशा उसको क्या कर लोगे कैंसिल करके काट लोगे तो यहां से हमारे पास क्या क्या चीज बची एक तो ये बचा सेवन एक्स और एक ये फाइव बचा और इसका साइन कैसा है प्लस ठीक है जैसे मैंने यहां पर ये दोनों पहले प्लस करे हैं आप चाहो तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेना जैसे यहां पर ये माइनस का ट्वेल्व एक्स और प्लस का एट एक्स वाई तो माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस तो यहां इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ जाएगा माइनस का फोर एक्स वाई क्योंकि तो 12 बड़ा है उसका साइन और फिर ये वाला लिखोगे आप प्लस का फोर एक्स वाई तो ये दोनों कट के तब भी क्या बना देंगे जीरो तो अपने हिसाब से हम कर लेते हैं या तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पहले या पहले इन दोनों को जैसे मैंने यहां पर इन दोनों को सोल्व करके पहले प्लस का ट्वेल्व एक्स वाई लिखा और ये वाला मैंने यहां पर लिख दिया ठीक है सिक्स क्वेश्चन देखते हैं चलो तो सिक्स क्वेश्चन के अंदर भी हमें कॉमे की जगह सबसे पहले जैसे हमने बाकी क्वेश्चन में अप्रोच रखी है इसी तरीके से करना कॉमे की जगह पर क्या लगा लो प्लस तो फाइव एम माइनस सेवन एन की जगह पर प्लस फिर ये थ्री एन माइनस फोर एम प्लस टू कॉमे की जगह पर प्लस टू एम माइनस थ्री एम एन और माइनस फाइव अब जो जो यहां पर सेम है जैसे यहां पर इसमें एम आ रहा है तो ऐसे देखो जिसमें बस एम आ रहा हो फिर ऐसे देखो जिसमें बस एन आ रहा हो और फिर कॉन्स्टेंट वाले तो पहले हमारे पास है फाइव एम फिर है ये वाला माइनस का फोर एम और फिर है ये वाला प्लस का टू एम ठीक है फिर एन वाले देख लो तो ये है हमारे पास माइनस सेवन एन फिर है प्लस का थ्री एन और कौन सा है एन वाले बस यही दो दिख रहे हैं उसके बाद जो कांस्टेंट है कांस्टेंट कौन कौन से है एक तो टू है और एक क्या है माइनस का फाइव तो यहां पर लिख देंगे प्लस टू माइनस फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एक रह गया कोई सा भी ये रह गया 3MN, क्योंकि एम एन के जैसा कोई है ही नहीं तो इसको हमें साइड में लिखना पड़ेगा यहां पर लिख देते हैं माइनस थ्री एम एन ठीक है सॉल्व कर लेते हैं ये प्लस का फाइव एम ये माइनस का फोर एम तो प्लस माइनस माइनस ही होते हैं फाइव एम में से जब फोर एम जाएंगे तो एक एम बचेगा बस और ये टू एम हमने एज इट इज कॉपी कर दिया ठीक है इन दोनों को सॉल्व करके एम आ गया अब यहां पर ये माइनस का सेवन एन और ये प्लस का थ्री एन तो माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस प्लस होते हैं माइनस तो सेवन में से थ्री गया तो कितना बचेगा फोर एन अब सेवन बड़ा है या थ्री सेवन बड़ा होता है तो उसके आगे का साइन लगा तो माइनस उसके बाद ये टू है कांस्टेंट और ये फाइव भी कांस्टेंट है ये प्लस का या माइनस का तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस तो फाइव में से टू गया तो कितना बचेगा थ्री और साइन कौन से का लगाएंगे फाइव का क्योंकि फाइव बड़ा होता है उसके आगे का साइन क्या लगा दिया माइनस और फिर माइनस का थ्री एम एन क्योंकि इसके जैसा कोई भी लाइट like टर्म नहीं है अभी इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं ये एम और ये टू एम इसके आगे कुछ नहीं है तो वन है तो वन एम और टू एम तो वन और टू कितने हो जाएंगे थ्री एक एम ये रहा दो एम ये रहा तो कितना हो गया थ्री एम फिर माइनस फोर एन और फिर हमारे पास है माइनस थ्री और फिर माइनस थ्री एम एन ठीक है ये हमारा आंसर आ गया आंसर शीट में अगर ये आगे पीछे करके दे रखे हो उससे कोई मतलब नहीं है आंसर ये भी सही माना जाएगा बस आपको ये देखना है कि वहां पर थ्री एम कैसा आना चाहिए प्लस का फोर एन कैसा आना चाहिए माइनस का थ्री कैसा आना चाहिए माइनस का और थ्री एम एन क्या आना चाहिए माइनस का अगर ये थ्री एम एन पहले लिख रखा हो और थ्री बाद में लिख रखा हो तो उससे कोई घबरा मत जाना एक ही बात है ठीक है सिक्स क्वेश्चन हो गया सेवंथ देखते हैं चलो सेवंथ पार्ट में भी सबसे पहले जहां जहां कॉमे वहां वहां पर प्लस लगाकर और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर वाई यहाँ इस कॉमे की जगह पर आ गया प्लस और फिर है हमारे पास माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा देता हूं कभी भी दो साइन को हम एक साथ नहीं लिखते ये तरीका होता है कि फिर बाद में हम इन दोनों साइन का एक साइन बना देंगे लेकिन पहले आप इस तरीके से शो करके दिखाओगे फिर यहां पर कॉमे की जगह पर प्लस और फिर माइनस फाइव एक्स वाई स्क्वायर फिर इस कॉमे की जगह पर प्लस और फिर फाइव एक्स स्क्वायर वाई अब जहां पर दो साइन हो और बीच में कोई भी डिजिट ना हो तो उन दोनों साइन का एक साइन बनाना हम जानते हैं प्लस माइनस क्या होगा माइनस तो फोर एक्स प्लस माइनस हो जाएगा माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस फाइव एक्स वाई स्क्वायर और फिर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर वाई अब आपको ऐसा देखना है जिसको पहचान करके आप लाइट टर्म बना सको तो यहां पर देखो x की पावर टू है और y अकेला है तो आपको ऐसा ढूंढना है जिसमें x की पावर टू हो और y अकेला हो तो वो ये वाला x की पावर टू है और y अकेला है तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं इन दोनों को साथ में लिखना पड़ेगा तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर वाई और प्लस फाइव एक्स स्क्वायर वाई ये मत करने लग जाना कि फोर में से थ्री गया तो वन बचा ये गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि यहां पर एक्स की पावर टू है यहाँ एक्स अकेला है यहाँ पर वाई अकेला है यहाँ वाई की पावर टू तो ये दोनों लाइक नहीं है ये दोनों लाइक हैं क्योंकि यहां पर एक्स की पावर कितनी है कुछ नहीं है तो वन यहां पर भी एक्स की पावर वन एक एक एक्स है दोनों के पास क्योंकि यहां पर वाई की पावर टू यहां पर भी वाई की पावर टू तो ये दोनों लाइक हो गए इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर और माइनस फाइव एक्स वाई स्क्वायर अब जो जो लाइक like टर्म्स है उनको सॉल्व कर लेते हैं तो ये दोनों लाइक like टर्म्स है इसीलिए ये एड हो सकती है तो एड होते हैं कोफी इनके तो फोर और फाइव कितना हो जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर वाई इन दोनों के भी जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर इसीलिए लाइक है ये माइनस का ये माइनस का तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस तो थ्री और फाइव कितना हो जाएगा एट एक्स वाई स्क्वायर ठीक है और साइन कौन से का लगता है हमेशा बड़े वाले का तो यहां पर क्या लगा दिया माइनस अब इसमें यह चीज गड़बड़ मत करना कई बार बच्चा क्या करता है माइनस माइनस प्लस होते हैं तो आप इसको ऐसा मत लिखने लग जाना थ्री एक्स वाई स्क्वायर और प्लस फाइव एक्स वाई स्क्वायर क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं तो फिर तो गड़बड़ है क्योंकि यहां पर थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस का था आपने प्लस का बना दिया यहां पर फाइव एक्स वाई स्क्वायर माइनस का था आपने प्लस का बना दिया माइनस माइनस होते प्लस हैं लेकिन वो जो आप प्लस करोगे या तो सिर्फ में करो या फिर उसको आप दिमाग में करके कर कर देखो जैसे थ्री और फाइव एट और साइन हमेशा माइनस का लगाओ ये वाली चीज मत लिख देना वरना हमेशा गलती ही होगी क्योंकि यहां पर साइन चेंज कर दिया अब तो आपने क्वेश्चन को ही गलत कर दिया अब आगे देखो आगे हमारे पास एथ वाला पार्ट इसके अंदर भी आपको क्या करना है जहां जहां कॉमे है वहां पर क्या लगा दो पहले प्लस क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बताया था एड करने तो ये हो जाएगा थ्री पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी क्यू प्लस फाइव इस कॉमे की जगह पर प्लस और फिर माइनस टेन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर फिर इस कॉमे की जगह पर प्लस फिफ्टीन प्लस नाइन पी क्यू और प्लस सेवन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ठीक है अब इसके अंदर आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहां पर दो साइन है और इन दोनों साइन के बीच में कोई भी डिजिट नहीं है तो इन दोनों साइन का एक साइन बना लो और जो भी लाइक टर्म्स हैं उन लाइक टर्म्स को फिर साथ में लिख लो तो ये लिख लेते हैं थ्री पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी क्यू प्लस फाइव माइनस टेन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस फिफ्टीन प्लस नाइन पी क्यू और प्लस सेवन पी स्क्वायर स्क्वायर ठीक है सारी की सारी चीज लिख दी बस ये वाली जो स्टेप थी चीज चेंज करी है इसमें पहले हम देखते हैं है? तो, तो, है, 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 तो ये हो गया सेवन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अब देख लेते हैं जो पी क्यू वाले हैं तो एक पी क्यू वाला तो यह है माइनस का फोर पी क्यू एक ये है, प्लस का नाइन पी क्यू अब बचे कांस्टेंट एक तो ये बचा है प्लस का फाइव और एक ये बचा है प्लस का फिफ्टीन ठीक है अब जो जो लाइक 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 टर्म्स थी जैसे ये like है, ये 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 तीनों टर्म टर्म लिख ली दोनों like साथ में और ये दोनों लाइक टर्म थी ये भी लिख ली अब आगे देखो दो दो करके सॉल्व कर लो ये प्लस का थ्री ये माइनस का टेन तो प्लस माइनस क्या होंगे माइनस इसका कोई साइन है प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होंगे तो टेन में से थ्री गया तो कितना बचेगा सेवन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अब अगली चीज क्या देखनी है हमें कि साइन कौन से का लगाएं इसका लगाएं या इसका तो टेन बड़ी डिजिट डिजिट होती है उसका साइन लगा दिया माइनस फिर ये वाला लिखो सेवन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ठीक है इन तीन के हमने दो बना दिए अब अगली स्टेप में फिर एक बना देंगे या ये खत्म ही हो जाएगा ये माइनस का या प्लस का चलो पहले आगे देखते हैं ये माइनस का फोर पी क्यू ये प्लस का नाइन पी क्यू तो माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस तो फोर में से सॉरी नाइन में से फोर गया तो कितना बचेगा फाइव पी क्यू साइन कौनसे का लगाएं फोर का या नाइन का इन का लगाएंगे ऑब्वियसली बात है यहां पर क्या है प्लस नाइन बड़े डिजिट है उसके आगे का साइन लगेगा तो यहां पर हमने लगा दिया प्लस ये दोनों प्लस प्लस के ही ही हैं हैं तो 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 प्लस प्लस तो प्लस प्लस होते तो 15 और और कितना हो जाएगा साइन का अब यहां पर देखो ये माइनस का है ये प्लस का है दोनों बिल्कुल सेम है तो माइनस प्लस माइनस होते हैं सेवन में सेवन या जीरो या फिर आप चीज में कई बार बता चुका हूं दोनों अगर बिल्कुल सेम हो और दोनों की डिजिट भी सेम हो लेकिन साइन अलग अलग हो तो वो दोनों कट जाते हैं तो इन दोनों को काट दिया और हमारे पास क्या बचा बस फाइव पी क्यू और प्लस ट्वेंटी ठीक है ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का एट पार्ट इसमें दस पार्ट है दो पार्ट और देखते हैं फिर सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का नाइन्थ पार्ट इसके अंदर भी यही चीज करनी है जहां जहां में सबसे पहले प्लस लगाओ जो जो चीज जैसे अप्रोच में रख रहा हूं बिल्कुल सेम ऐसी करना है तो ए बी माइनस फोर ए कॉमे की जगह प्लस फोर बी फिर माइनस ए बी कॉमे की जगह प्लस फोर ए माइनस फोर बी अब उसके बाद लाइट टर्म ढूंढो तो लाइट like टर्म वो होती है जिनके वेरिएबल सेम हो तो यहां पर आपको दिख रहा होगा एक तो ये वाला ए बी और एक ये वाला ए बी दोनों में ए बी आ रहा है तो इन दोनों को साथ में लिख लेंगे फिर फोर ए और फोर ए इन दोनों को साथ में लिख लेंगे और उसके बाद फोर बी और फोर बी इनको साथ में लिख लेंगे तो ये हो गया ए बी और ये माइनस का ए बी फिर माइनस का फोर ए और प्लस का फोर ए फिर प्लस का फोर बी और माइनस का फोर बी ये वाला ठीक है ये यहां पर आ गया ये वाला यहां पर आ गया ये माइनस का फोर है ये प्लस ये वाला प्लस का फोर है ये प्लस का फोर बी और ये माइनस का फोर बी अब आगे देखो ये ए बी प्लस का है ये ए बी माइनस का दोनों बिल्कुल सेम है तो दोनों को भी दोनों जो कट जाएंगे कई बार बता चुका हूं जैसे अगर यहां पर कोई डिजिट होती दोनों बिल्कुल सेम होती एक प्लस का होता है एक माइनस का होता तो कटते या नहीं थ्री माइनस थ्री जीरो होते अब आगे देखो ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस तो फोर में से फोर गया तो क्या बचेगा जीरो ये भी जीरो हो गया क्योंकि ये दोनों भी कट गए अब यहां पर ये प्लस का फोर भी ये माइनस का फोर भी ये प्लस का माइनस का प्लस माइनस माइनस होते हैं फोर में से फोर गया जीरो तो ये दोनों भी कट गए बचा क्या कुछ नहीं बचा जीरो बचा ठीक है क्योंकि सबसे ही जीरो आ रहा होगा इन दोनों को सॉल्व करके कर भी जीरो आएगा इन दोनों को सोल्व करके कर भी जीरो इन दोनों को सोल्व करके भी जीरो तो तीनों जीरो को प्लस करके जीरो ही आएगा समझ गए ना अब आगे देखो लास्ट पार्ट है इसका इसके अंदर क्या करना है यहां पर कॉमा यहां कॉमा इन दोनों की जगह पर प्लस लगा लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन कोमे की जगह पर प्लस फिर वाई स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर कोमे की जगह पर प्लस फिर ये वाला वन फिर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अब आगे देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो जो लाइक टर्म्स सा, है उनको साथ में लिख लेते हैं तो लाइक टर्म देख लो कौन कौन सी है एक तो है ये वाला एक्स स्क्वायर एक ये वाला है माइनस का एक्स स्क्वायर एक ये वाला है माइनस का एक्स स्क्वायर उसके बाद वाई स्क्वायर देखो ये माइनस का वाई स्क्वायर ये प्लस का वाई स्क्वायर और ये वाला माइनस का वाई स्क्वायर उसके बाद ये माइनस वन ये माइनस वन ये प्लस वन तो माइनस वन माइनस वन प्लस वन समझ में आ गई ना एक्स स्क्वायर ये वाला यहां पर आ गया ये माइनस का एक्स स्क्वायर ये वाला माइनस का फिर ये माइनस का वाई स्क्वायर ये प्लस का वाई स्क्वायर और ये माइनस का फिर ये वाला माइनस वन यहां पर ये माइनस वन यहां पर और ये प्लस वन यहां पर अब यहां पर ध्यान से देखो ये एक्स स्क्वायर कैसा है ये है प्लस का क्योंकि इसका कुछ नहीं है तो प्लस ही साइन माना जाएगा ये प्लस का माइनस का दोनों कैंसिल हो गए ये वाला एक्स स्क्वायर बचा इसको लिख लेते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस का ये y square, ये सॉरी स्क्वायर माइनस का और ये वाला स्क्वायर प्लस का तो माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस दोनों अगर बिल्कुल सेम हो और साइन अलग, अलग अलग हो तो कट जाते हैं कई बार बता दिया यहां पर ये प्लस का था ये माइनस का दोनों बिल्कुल सेम थे दोनों के साइन अलग अलग थे तो कटे थे या नहीं बिल्कुल सेम चीज यहां पर तो ये माइनस का वाई स्क्वायर यहां से बच जाएगा उसके बाद ये माइनस का वन ये प्लस का वन तो माइनस प्लस क्या हो जाते हैं माइनस और वन में से बन गया जीरो या फिर इनको हम ऐसे ही काट देते हैं क्या बचेगा बस यहां से बचेगा माइनस का वन ठीक है और अगर आप ऐसे करते हैं माइनस माइनस क्या हो जाते पहले प्लस अगर आप ऐसे करना चाहो माइनस वन माइनस वन प्लस वन है तो आप अगर इन दोनों को सॉल्व करते तो माइनस माइनस क्या होता प्लस तो माइनस माइनस प्लस होकर ये हो जाता टू साइन लगता माइनस का फिर ये वाला प्लस वन फिर माइनस प्लस क्या होता माइनस प्लस माइनस ही होते हैं तो टू में से वन गया तो कितना बचता वन और साइन लगाते हैं बड़े का तो बड़े का साइन क्या आता माइनस वन तब भी माइनस वन ही आता तो आप चाहो तो इन दोनों काट लो चाहो तो ऐसे कर लो बात एक ही है ठीक है तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सारे पार्ट हमने इस वीडियो में कवर कर लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन और किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हो